एक गुरुजी और एक चेल, तीन चेला थे, तो जंगल में रहते थे। गुरुजी ने शिक्षा दिया कि नाम जप हमेशा करो। तीनों चेला खूब जोर से नाम जप करते थे, झोपड़ी में बैठ करके राम 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 राम, राम, राम लगे रहते थे। गुरुजी बुलाए, एक चेला था वो तुरंत जी सरकार, दूसरा था सोच गुरु जी ने बुलाया क्या, लगता है ऐसे ही भ्रम हो गया होगा, फिर जप करने लग जाता था। तीसरा था वो कान में रुई लगा के करता था कि कोई हमें डिस्टर्ब ही ना करे। अब तीनों में श्रेष्ठ कौन है? हाँ, उत्तर देता है मतलब उस चेतना के साथ जाप कर रहा है। जो सोचता है गुरुजी ने बुलाया, शायद उन्होंने बोला आवाज दिया, वहीं बैठे बैठे गुरुजी से बात भी कर लिया, अच्छा लगता है नहीं नहीं हमारा भ्रम है, आलसी चेला है। और जो कान में रुई लगा लिया वो बहरा चेला है, समझ गए ना। वो सफलता प्राप्त करेगा लेकिन बहुत समय लगेगा उसको, जब कान से रुई निकालेगा तभी सफलता होगा। चेतना जब कर रहे हैं और तुम्हारी चेतना जागृत है, अन्य व्यक्ति को जब आप बुलाए तो उसमें तुम्हारी चेतना काम ना करे, गुरुमूर्ति बुलाएं तुरंत काम कर जाए, समझ गए ना। तो वो सफलता का प्रतीक है। और जो आलस कर गया, बुलाया नहीं बुलाया, वो अधूरापन है। जो कान में रुई लगा रखा है वो एक मूढ़ता है, कान में रुई लगाने से नहीं होता। कान में तो रुई लगा दिया, दिमाग में कैसे रुई लगाएगा, कहाँ से लगाएगा, वो भयभीत है। भयभीत व्यक्ति भी सफलता नहीं प्राप्त करता। और एक जगह कहा गया, भय बिन होइ न प्रीत, दोनों भय में भेद है, एक मृत्यु का भय है और एक संसार से भय है या किसी और वस्तु से भय है, ये तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। चेतना के साथ नाम का जप करना चाहिए साधक को, उसी को चैतन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैतन्य। जब तुम्हारी चेतना ही नहीं है, अगर जिसका नाम जाप कर रहे हो आ गया तो विष्णुदास, अगर जिसकी नाम जप कर रहे हो आ गया तो फिर बोलोगे कि शायद, समझ गए ना। तो वो तो बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करते ना, इसीलिए चैतन्य हो के नाम जाप करो। मैं एक बार नाम जाप कर रहा था, मैंने बहुत नाम जाप किया, नाम जाप में लगा हुआ था, अनुभव हुआ कि बाबा ने आवाज दिया, नाम जाप कर रहे थे और मैंने जी सरकार, उठ के खड़ा हुआ भागा, बाबा के पास गए, जी सरकार। बाबा ने कहा, हुआ बच्चा, तो सरकार दास को याद किए, आवाज दिए। तो बाबा बोले, हाँ बच्चा दिया था, सुन लिया, अच्छा है, जा भजन कर। समझ गए ना, कई बार ऐसे हुआ। फिर मैंने सोचा कि सरकार आवाज़ देते हैं और बोलते हैं कि सुन लिया भजन कर, तो मैंने एक दिन पूछ दिया, सरकार फिर आप बुलाते क्यों हैं? बाबा बोले, बच्चा हम चेक करते हैं, तुम्हें देखते रहते हैं भजन कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझ गए ना। तो बाद में हमें समझ लगी, बहुत समय बीतने के बाद, कि हमारी इंद्रियां
हमारा मन बुद्धि शरीर बाबा से जुड़ा हुआ है, और जिससे तुम जुड़े होते हो ना, जिसके प्रति तुम्हारा पूर्ण समर्पण है, जब तुम एकदम लीन हो जाते हो, शांत अवस्था में जाते हो, उसकी ऊर्जा तुम्हें आवाज दे देती है, याद कर। तो जब हम एकदम आनंद में होते तो ऐसा लगता कि बाबा आवाज दे, और ये नहीं कि आलस नहीं, सर्दी हो गर्मी हो किसी भी अवस्था में, यही शिक्षा थी हम लोगों की। कोई भी कितनी भी सर्दी पड़ रही है, भागते साफी पहने उसी में भागते थे, ये नहीं कि चादर ओढ़ रहे हैं और एक ओढ़ लें पहन ले तब जाएंगे ना। बाबा की शब्द का मतलब है जैसे ही कान में, मैंने जीवन में दो बार मिसिंग किया है, मैं नीचे मचान के नीचे सोता था, बाबा एक बार आवाज देते 3, 3:30 बजे 4 बजे, बालक, तुरंत वहाँ बाबा आवाज दीजिए, मैं सो रहा हूँ, और मुंह से निकलता जी सरकार, बच्चा स्नान करने जाना है यमुना जी में, जी सरकार, दीपक तैयार कर बच्चा, टॉर्च थी ना, अंधेरा होता था, जी सरकार, सरकार निकलते। तो इतनी चेतना परमात्मा से मिल जाना, यही साधना हमारा काम आया। इतनी परमात्मा गुरु गोविंद में मिल जाना चाहिए कि अगर वो एक शब्द भी बोलते हैं तुरंत आके आपको पकड़े और तुरंत आप एक्टिव हो जाइए। तो ये साधना है। बाद में बाबा ने समझाया, दो बार हमसे मिसिंग, बरसात हो रही थी बहुत तेज, प्लास्टिक उड़ के सो रहे थे हम, नीचे कंबल था ऊपर प्लास्टिक था, तो पड़ 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 आवाज आ रही थी। बाबा ने बोला, मुझे लगा बाबा ने बोला, हमने सोचा कहीं मैं जी सरकार कर दूँ बाबा ध्यान से उठ जाए, फिर मैं चुप लगा लिया। जैसे ही चुप लगाया बाबा ने, फिर मैं प्लास्टिक हटा दिया थोड़ा, बाबा कहीं दोबारा आवाज़ दें, थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आया, जी सरकार। अरे बच्चा, पहली बार आवाज़ दिया तुमने बोला नहीं, कोई बात है? नहीं सरकार, वो सुनाई, मैंने बताया कि ऐसे। अच्छा, तो स्वामी भी जानता है कि इसने जवाब क्यों नहीं दिया, अर्थात सेवक को चैतन्य रहना चाहिए, जवाब में एकदम तैनात रहना चाहिए। तो दो बार हुआ यह अवस्था, एक बार देवरिया में हुआ था, बाबा स्नान कर रहे थे सरजू जी में, मैं वहाँ बैठ के कीर्तन कर रहा था, तो स्नान करके बाबा आवाज़ दिए, कुकुरा, तो ऐसे लगा कि बाबा ने आवाज़ दिया, तो कुछ झपकी भी आ रही थी, अभी तो सरकार स्नान कर रहे हैं, इधर उधर देख के फिर ऐसे ही आराम करने लगे। तो बाबा आए और मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, सीताराम सीताराम सीताराम, बाबा आए और आके अपने एक चरण से ना ऐसे माथे ऐसे कि मैं पीछे पलट गया, पीछे पलट कहा ऐसे, तो बोले सो रहा है, जी सरकार, आँख लग, चल दीपक दिखा। तो ऐसे कृपा करते हैं, नहीं तो कभी भी हमारा एक शब्द बाबा का हुआ, कहीं भी होते थे हम लोग हवा की तरह एकदम, शब्द पहुंचा, जी सरकार, ऐसे होते हैं सेवक। इसीलिए कहा है सबसे सेवक धर्म कठोरा, समझे ना, कठोर तपस्या है ये, सेवक बनना ही कठोर तपस्या है। जो सेवक बन गया, परमात्मा उससे दूर कहाँ है, परमात्मा तो उसके अगल बगल में घूमता फिरता रहता है, समझे ना।